खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर बीजेपी शिवसेना का झगड़ा, बड़ा सूत्रों के मुताबिक सामना में शरद पवार की तारीफ से बीजेपी नाराज। सामना के लेख से बीजेपी के आला नेता नाराज। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने कहा, चर्चा से पहले सामना में जहर उगलना, शिवसेना बंद करे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुलाकात को औपचारिक बताया। हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद कांग्रेस का मंथन, 2 नवंबर को सोनिया सभी महासचिवों और प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह किताब लॉन्च के दौरान भावुक हो गए, बोले असम ने मुझे ऐसे वक्त में राज्यसभा भेजा जब दूसरा कोई राज्य सीट देने को तैयार नहीं था। सिरसा में गोवर्धन पूजा में शामिल हुए हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कहा सीएम खट्टर के साथ मिलकर राज्य का विकास करेंगे। AIUDF अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने कहा, मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करें, उन्हें पढ़ाएं ताकि वो नौकरी पाएं। असम सरकार ने 2 से ज्यादा बच्चों पर सरकारी नौकरी की पाबंदी लगाई। असम बीजेपी नेता प्रमोद स्वामी ने बदरुद्दीन अजमल पर बोला हमला, बोला उन्हें मुस्लिमों की तरक्की से कोई लेना देना नहीं, धर्म के नाम पर सियासत करते। INX भ्रष्टाचार केस में गिरफ्तार रफी चिदम्बरम को एम्स ले जाया गया, मेडिकल चेकअप को रूटीन बताया गया, कल ही डिस्चार्ज किए गए थे। पुणे में लोन के पैसे न देने पर एनसीपी नेता धनंजय मुंडे का फ्लैट सील किया गया।